हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू लेकर के आए हैं डॉक्टर ओएट्सकर के फन फूड्स सैंडविच स्प्रेड का, जो कि है कैरेट एंड कुकुम्बर के साथ में। ये एक एगलेस सैंडविच स्प्रेड है। तो ये पैकेजिंग जो है, ये 300 ग्राम का पैकेजिंग है और 300 ग्राम की ये पैकेजिंग हमें 79 रुपीज़ की MRP के साथ में मिलती है। ये डॉक्टर ओएट्सकर का जो फन फूड्स सैंडविच स्प्रेड है, इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एडिड फ्लेवर और ट्रांस फैट्स वगैरह नहीं है। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बात करूं, उसमें है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, वाटर है, इसमें 10% जो है कुकुम्बर है, शुगर है, कैरेट है। कैरेट इसके अंदर 6% यूज़ किया गया है। ग्लूकोज सिरप है, स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, लेमन जूस है, आयोडाइज सॉल्ट है, मिल्क सॉलिड है, टोमेटो पेस्ट है, चीज़ पाउडर है, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर भी इसमें यूज़ किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एसिडिटी रेगुलेटर्स को यूज़ किया गया है और प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को भी इसमें यूज़ किया गया है। अब हम इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल फैट्स पर 100 ग्राम के हिसाब से हैं। तो 100 ग्राम के अंदर इसके अंदर 417.6 किलो कैलोरी एनर्जी है, 2.0 ग्राम प्रोटीन है, 37.4 ग्राम फैट है, जिसके अंदर ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सैचुरेटेड फैट्स 6.5 ग्राम्स इसमें दिए गए हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स 18.2 ग्राम है और शुगर इसमें 13.2 ग्राम इसके अंदर डाला गया है। तो ये तो बात हो गई इसके न्यूट्रिशनल फैट्स के बारे में। अब हम जो है इसको ओपन करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर आपको कैरेट और कुकुम्बर के जो पीसेस हैं वो भी दिखाई देते हैं। और इसको अब हम जो है टेस्ट करके देख लेते हैं। इसका सैंडविच स्प्रेड हम बना करके देखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसा है खाने में। हमारा जो सैंडविच है वो बन करके तैयार है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका जो टेस्ट है बहुत टैंगी है। साथ ही साथ आपको कुकुम्बर और कैरेट का जो क्रंच है वो फील होता है। और जो इसके अंदर जो टेस्ट है उसके अंदर आपको टमेटो का फ्लेवर भी फील होता है। साथ ही साथ बहुत क्रीमी टेक्सचर आपको लगता है। फ्रेंड्स, तो ये प्रोडक्ट जो हमने आज रिव्यू किया, ये कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, बट कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा मतलब जो टैंगी फ्लेवर, खट्टा फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं, उनको शायद ना पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक और प्रोडक्ट रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।